आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट के डायरेक्शन के बारे में। तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा पैसा है, पैसे की सेविंग रहे और कहीं ना कहीं वो कैश को लेकर काफ़ी ग्रोथ करें, तो आज का वीडियो खास तौर पे उन्हीं के लिए है, क्योंकि साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो टोटली रूल करता है धन के लिए, यानी कि कैश के लिए। तो आइए शुरू करें। साउथ ईस्ट के दिशा के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्र से ही पूरी भोग विलासता जुड़ी हुई है, यानी कि आप जितने भी लाइफ में मटेरियलिस्ट चीज़ें हैं वो सब शुक्र को बिलोंग करती हैं। तो अगर आपकी घर में साउथ ईस्ट का डायरेक्शन अच्छा होता है और कुंडली में शुक्र की दशाएं आती हैं, या कुंडली में जब शुक्र बहुत अच्छा हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लखपति या करोड़पति तक बन जाते हैं। सेवल शुक्र की दशा आने से या साउथ ईस्ट बैलेंस होने से आपके घर में बहुत अच्छा पैसा आता है, बहुत अच्छा नेम फेम मिलता है, और ये दिशा मानी जाती है फायर की मानी जाती है। अगर किसी भी घर के साउथ ईस्ट बहुत बैलेंस होगा तो ऐसे लोगों में अग्नि होगी, ये लोग बहुत एक्टिव होंगे, और ये जब भी बात करेंगे इनमें एक स्पार्क देखने को आपको मिलेगा। साउथ ईस्ट ही आपकी वाणी में बल लेकर आती है, आपके प्रेजेंटेशन को बढ़ाती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करती है। कहीं पर भी आप जब बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, ये सारा कुछ हम साउथ ईस्ट से देखते हैं। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनकी बातों में बहुत अच्छी बातें निकल के आती हैं, जो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको हमेशा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन अच्छा रखना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि लाइफ में हमारी लग्जरी, कम्फर्ट, पैसा, आराम, ये सब कुछ बढ़े, तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट को हमेशा बैलेंस रखें। तो साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्या नुकसान करता है? देखिए, ये अग्नि की दिशा है और यहाँ पर जब भी पानी आ जाएगा किसी भी रूप में, तो ये सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट को नुकसान पहुँचाता है। अगर यहाँ पर पानी है, पानी की टंकी है, खास तौर पे ब्लू या ब्लैक कलर की छत के ऊपर, तो ये आपको 100% नुकसान पहुँचाएगी। अगर यहाँ पर किचन है और किचन का बेसिन अगर इस जगह पर आ जाता है, तो भी ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा अगर अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर आएगा तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। किसी भी रूप में पानी अगर साउथ ईस्ट में आएगा तो ये कहीं ना कहीं हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसके साथ साथ टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, कचरा स्टोर, ब्लैक कलर, और यहाँ पर अगर मिरर है जिसमें हम फुल साइज़ का मिरर, जिसमें हम पूरी शक्ल देख सकते हैं या हम पूरे तरीके से देखते हैं, अगर यहाँ पर मिरर लगा होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में काफ़ी नुकसानदायक होता है। हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, अगर उनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में होंगी, तो ये आपको कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, आप कैसे इसको पता कर पाएंगे? देखिए, अगर आपके घर का साउथ ईस्ट ख़राब होगा, तो सबसे पहले आपके एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएंगे, आपके काम रुकने लगेंगे। मेजर एक्सीडेंट साउथ ईस्ट से ही देखे जाते हैं। बार बार अगर लोगों के घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो सीधे चले जाइए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। ये कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमने आपको बताई होंगी, वहाँ कुछ ना कुछ एक चीज़ ज़रूर होगी। इसके साथ साथ अगर आपका कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आए, वो नहीं आएगा, और ख़ास तौर पर आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे जो आपका पैसा डुबा देंगे। आप मार्केट में किसी जगह पे पैसा लगा देंगे या किसी को पैसा दे देंगे उधारी के रूप में, और वो आपको कभी नहीं मिलेगा, वो फंस जाएगा। तो जिन लोगों का भी मनी लेंडिंग का काम है, या वो लोग ब्याज पे पैसा चलाते हैं, या किसी तरीके से पैसा आपका मार्केट में लगा हुआ है, शेयर से रिलेटेड कोई काम है, या इस तरीके से कोई काम जहाँ पर टोटली हम पैसों को रूल करते हैं या पैसा हमारा मार्केट में लगा है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। जब भी साउथ ईस्ट का डायरेक्शन आपके घर में खराब होगा, तभी आपको ये सारे नुकसान होंगे, यानी कि आपका पैसा मार्केट में फंस जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी बहुत सारी उधारियां हैं, हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे, ये सब साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से होता है। उनके घर का साउथ ईस्ट खराब है, ऑटोमेटिकली आपके ऐसे लोगों से कनेक्शन बैठेगा कि आपके पैसे मार्केट में डूब ही जाएंगे। उधारी में पैसे वापस ना आना, पैसों का नुकसान हो जाना, बड़े रूप में एक्सीडेंट होना, ये सारा चीज़ें साउथ ईस्ट के गड़बड़ होने से ही होती है। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, तो इसको आप रेड कलर के टेप से कट कर दीजिए। यहाँ पर अगर सेप्टिक टैंक है, तो आप सेप्टिक टैंक के ऊपर रेड कलर मत करिएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम कलर कर लीजिएगा। ये एक प्रकार की रेमेडी हो जाएगी सेप्टिक टैंक के लिए। अगर हम यहाँ पे रेड कलर को यूज़ करना चाहिए, पर अगर आपका साउथ ईस्ट कम होगा या बड़ा होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा, तो सेप्टिक टैंक में आप नॉर्मल क्रीम कलर करवा दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर घर के साउथ ईस्ट में किचन है, तो यहाँ पर आइडल किचन बहुत अच्छा माना जाता है। 16 डायरेक्शन में सबसे अच्छी किचन की डायरेक्शन मानी जाती है साउथ ईस्ट। अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट में किचन है, तो उनके घर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होगा। केवल यही एक ऐसी दिशा मानी जाती है जहाँ पे खाना बहुत अच्छा बनता है, और यहाँ पर काम करने वाली जो लेडीज़ हैं या जो गृहिणी होंगी, उनकी हेल्थ भी हमेशा अच्छी रहेगी।
बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे किचन है और ब्लैक कलर का कोई पत्थर लगा है तो उसको हम जल तत्व के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रीन बड़ौदा स्टोन लगाना है। अगर आप इसको लगा लेते हो तो किचन आपका पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसी प्रकार का स्टोर नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिए। ख़ासतौर पर ज़मीन में यानी कि घर में या छत के ऊपर यहाँ पर स्टोर होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। कई लोगों का ये मानना है कि साउथ ईस्ट में हम बिल्कुल मंदिर रख सकते हैं, तो एकदम गलत बात है। आप साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं रखिए। कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ ये भगवती की जगह मानी जाती है, इनकी जो दुर्गा जी हैं यहाँ की ईस्ट मानी जाती हैं, तो क्या हम यहाँ पे मंदिर रख सकते हैं या दुर्गा जी की फ़ोटो लगा सकते हैं? तो आप दुर्गा जी की फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन ये 3D रेमेडीज़ में काम होती है। जब हमें साउथ ईस्ट को बैलेंस करना होता है या हमारे किसी प्रकार के पॉजिटिव हिट को एक्टिव करना हो, तब हम जाकर यहाँ पर दुर्गा जी की फ़ोटो लगाते हैं। पर यहाँ पर क्या मंदिर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर मंदिर होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपके गुस्सा, उत्तेजना और हाइपरनेस को बढ़ा सकता है। बहुत बड़े रूप के जो लोग साधक होते हैं वो भी यहाँ पर कई बार साउथ ईस्ट में, क्योंकि हम भगवती के उपासक हैं, ऐसा बोलकर यहाँ मंदिर रख लेते हैं, तो ये गलत है। अब हम बात करते हैं कि अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम होगा तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे। तो 15 साल से कम बच्चों का बेडरूम आप यहाँ पे बना सकते हैं। न्यूली मैरिड कपल या नए शादीशुदा लोगों का बेडरूम यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए। 50 के अंदर के जितने भी लोग हैं उनका बेडरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि की जगह है और अगर यहाँ पे हम लगातार सोएंगे तो हमारा अग्नि तत्व कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और जब अग्नि तत्व बढ़ेगा तो हमारी लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बेडरूम न्यूली मैरिड कपल लोगों का नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे रेड कलर का 0 वॉट का बल्ब भी जला रखा है कुछ वीडियोस को देखते हुए, तो ये गलत है। अगर घर के साउथ ईस्ट अगर बैलेंस है तो आपको लाल बल्ब नहीं जलाना है, बड़ा हुआ है तो नहीं जलाना है। जब साउथ ईस्ट घर में कम होता है तब हम रेड बल्ब को यूज़ करते हैं और बड़ी सावधानियों से यूज़ करते हैं। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा है, आपने यहाँ पे किसी भी रूप में रेड बल्ब लगा रखा है, तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब काफ़ी सारे लोगों ने साउथ ईस्ट में अलमारी रखी है क्योंकि माना जाता है कि अगर हम यहाँ पर अलमारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कैश फ्लो बढ़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अलग डायरेक्शंस हैं अलमारी रखने के, वो हम कभी आपको दूसरे वीडियोस में बताएंगे कि अलमारी रखने के सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन से माने जाते हैं। ये एक प्रकार का मिथ है या भ्रम लोगों में फैला हुआ है कि साउथ ईस्ट में अलमारी रख दीजिए और इसे नॉर्थ में खुलने दीजिए तो आपके घर में पैसा आएगा। साउथ ईस्ट को अच्छा और बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन कलर के वास में रेड कलर के आप रोजेस जरूर रखिएगा। ये भी एक जगह मानी जाती है जहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम लाल फूल या रेड रोजेस लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये साउथ ईस्ट को बहुत बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपके अग्नि को बढ़ाता है, और जब आपकी अग्नि और फायर बहुत अच्छी होती है घर की, तब हमारे घर में कैश फ्लो नियंत्रित रहता है या कैश फ्लो बढ़ जाता है। साउथ ईस्ट आपके घर का बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, यहीं से हम देखते हैं कि घर के लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं और जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कुछ भी अगर सडन हो रहा है तो आपको सीधे अपने घर के साउथ ईस्ट में देखना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमने आपको बताया हुआ है वही चीज़ें नुकसान करती हैं, ब्लैक कलर टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, किसी भी प्रकार का स्टोर यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। आप इन चीज़ों को बिल्कुल अलग कर दीजिए और अपने घर के साउथ ईस्ट में कोशिश करिए कि यहाँ पर हम लाल कलर भी ना करें। कुछ लोगों ने अपने घर के साउथ ईस्ट में लाल कलर करवा लिया है जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ पे रेड कलर कर देंगे तो ये साउथ ईस्ट को बढ़ा देगा और ये भी कहीं ना कहीं हमको एक्सीडेंट या पैसों का नुकसान देता है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, विल पावर कमज़ोर होता है, जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते, अपना पैसा नहीं मांग पाते, उन सब का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं ख़राब होता है। आप अपने घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को हमेशा बैलेंस या अच्छा रखिएगा, क्योंकि जब ये अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़ेगा, और जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, और जब हमारे अंदर ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर होगा तब हम अपनी लाइफ में पैसा कमा पाएंगे। आप देखिए जिन लोगों का भी बहुत अच्छा विल पावर होता है, जो अपनी बातों में बहुत कायम रहते हैं और जो बहुत तरीके से अपना प्रेजेंटेबल करते हैं, ऐसे लोग लाइफ में अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके घर का साउथ ईस्ट हमेशा बैलेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साउथ के डायरेक्शन में बताएंगे और साउथ से जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्यमय बातों को हम उजागर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।